आधुनिक भारत में आधुनिकता का चोगा ओढ़े आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार की सफलता का जश्न मनाती सरकार के विकास के लाख दावों की हकीकत बयां करता यह तस्वीर दरअसल हजारीबाग जिला के इचाक के पुरनपनिया गांव की है। यह वही क्षेत्र है जहां के सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री है, जो एक महिला है। महिलाओं की पीड़ा को बखूबी समझती है, लेकिन दुर्भाग्य से हकीकत तो यही है कि वक्त पर ग्रामीणों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाती और प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को खाट के सहारे कई किलोमीटर तक ले जाने को ग्रामीण मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूं कि पुरनपनिया निवासी उमेश हांसदा की पत्नी गुड़िया देवी को प्रसव पीड़ा हुई। ग्रामीणों ने कोशिश की पर ना तो ममता वाहन और ना ही कोई एम्बुलेंस मिल पाया। मजबूर ग्रामीणों ने गर्भवती को खाट पर लादकर 3 किलोमीटर तक पहाड़ी पगडंडी के रास्ते कुफंदी गांव के जंगल तक पहुंचे। करीबन 2.5 घंटे से भी अधिक समय तक कराहती गर्भवती की पीड़ा को देखते हुए साथ चल रही सहिया मुन्नी देवी ने शाम को एक निजी स्कॉर्पियो से संपर्क साधा। स्कॉर्पियो से अस्पताल जाने के दौरान गाड़ी में ही गर्भवती ने बच्चे को जन्म दे दिया। गनीमत रही कि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है और फिलहाल अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डाड़ी घाघर पंचायत का या व्यथा आला अधिकारियों से लेकर सरकार और हाई कोर्ट तक नहीं पहुंची है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान यहां के लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया था, जिसके फलस्वरूप लोगों को यह कहकर बनाया गया था कि सारे मूलभूत सुविधाएं बहाल करवा दी जाएंगी, लेकिन आज तक मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप स्वयं सुने यहाँ के ग्रामीण और यहाँ की महिलाएं अपनी व्यथा कहते हुए। हमारा देखिए जे पुरन पनिया घर है, बड़ी तकलीफ में रहो ये बाबू, तनी रोड उड बना दें बढ़िया से, साधन रह खटी पार पर जाइए तो चढ़ान उतरन में बड़ी दिक्कत हो ये बाबू, तनी रोड बना दें। हमार बड़की दीदी मौसमत नाम है अब जाए, मैं कोई बार बीमारी कोई पेशेंट मतलब खटिया में डोली बना के चढ़ावा पारो है, बीमारी के लिए बहुत तकलीफ हो जाए है, ना पानी के साधन है ना और कुछ के साधन है, गाड़ी घोड़ा भी फोन एक फोन पर है और गाड़ियों भी ना आओ। नाम संतोष मांझी है, बड़ी दिक्कत होते हैं तो बार बीमार में खटिया पर लेके लमते हैं लेजते हैं, ना पानी के साधन है ना कुछ है, हम बहुत दिक्कत होते हैं। नाम रामीलाल मांझी, पुरनपनिया गांव में बहुत तकलीफ रहो है, हमने के बार बीमारी में खटिया से लेते आओ है, बहुत तकलीफ में रहो है, अब सड़का बना दे रोज अब पानो। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की एक कमेटी भी पंचायत का दौरा कर चुकी है, लेकिन सरकार के कान पर आज तक जू तक नहीं रेंग रहा है। आज झारखंड में आदिवासियों के हित के लिए तत्पर सरकार है, लेकिन यह गांव बिल्कुल आदिम जनजातियों का गांव है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में विकास की रफ्तार क्या है, कहनी और करनी में कितना फर्क है। आजादी के 75 साल होने के बाद भी इचाक प्रखंड के पंचायत डाड़ीघाघर के सभी 6 गांव मूलभूत सुविधा से वंचित है। आज देखने को मिला और लगातार इस तरह की घटना घटते आ रही है। आज पुरनपनिया गांव की गुड़िया देवी का जो ड्रेवरी अवस्था में काफी देर से सड़क के अभाव में उन्होंने कहराती रही, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण आज उन महिलाओं ने भगवान के भरोसे आज जंग जीती है। मैं इस सड़क को लेकर के, इस पंचायत को लेकर के लगातार जिला प्रशासन और राज्य सरकार को मैं लिखित आवेदन और अखबार प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हमने लगातार आवाज उठाते आया है, लेकिन फिर भी आज इस पंचायत का हालत। ये थी हमारे संवाददाता श्री प्रसाद सोनी की रिपोर्ट हजारीबाग से।